नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पुष्कर प्रभु और आप देख रहे हैं प्रभु 2020। आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैं यहां किचन में क्या कर रहा हूं, पर मौका ही ऐसा है क्योंकि हम आज प्रदर्शित कर रहे हैं हमारा 50वां एपिसोड और इस बात पे कुछ मीठा तो बनता ही है। तो मैं आज आपको आयुर्वेदिक श्रीखंड की यानी रसाला की प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो देखते हैं आयुर्वेदिक श्रीखंड कैसे बनाते हैं, पर उसके पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर देखते हैं आयुर्वेदिक श्रीखंड की प्रोसीजर। आयुर्वेदिक श्रीखंड यानी रसाला बनाने के लिए हमें कौन से घटक द्रव्य लगते हैं ये अब हम जान लेते हैं। इसके पहला घटक है वो है चक्का, जिसे हम घर में बना सकते हैं या हमें डेयरी में भी मिल जाएगा। इसकी मात्रा है 125 ग्राम। उसके बाद आता है घी, जिसकी मात्रा है 5 ग्राम, लगभग 1 टेबल स्पून। उसके बाद है शहद, वह भी है 5 ग्राम यानी 1 टेबल स्पून। और शहद के बाद आता है शक्कर, जिसकी मात्रा है 65 ग्राम, 65 ग्राम शक्कर। रसाला में आयुर्वेदिक चूर्ण भी है, अब हम एक एक चूर्ण देखते हैं। इसमें से पहला चूर्ण है नागकेशर चूर्ण, इसकी मात्रा है 0.5 ग्राम। दूसरा चूर्ण है तमालपत्र चूर्ण, उसकी मात्रा है 0.5 ग्राम। तीसरा चूर्ण है दालचीनी चूर्ण, इसकी मात्रा भी है 0.5 ग्राम। चौथा है इलायची, इसकी भी मात्रा 0.5 ग्राम। और उसके बाद काली मिर्च चूर्ण 5 ग्राम। और लास्ट में आता है सौंठ चूर्ण 5 ग्राम। मिक्स करने के लिए एक बर्तन, एक चम्मच और हम ब्लेंडर या मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। अब हम प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले बर्तन में हमें चक्का लेना है। हमने बर्तन में 125 ग्राम चक्का लिया है और अभी हम इसमें घृत मिक्स करेंगे, घी मिक्स करेंगे। घी के बाद हम इसमें शहद डालते हैं। शहद मिक्स करने के बाद हमने जो 65 ग्राम शक्कर ली है वो हम अब इस मिश्रण में डालेंगे। इस मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसके बाद हम इसमें एक एक चूर्ण डालेंगे। पहला चूर्ण है नागकेशर चूर्ण, दूसरा चूर्ण है तमालपत्र चूर्ण, तीसरा है दालचीनी चूर्ण, इसके बाद है इलायची, इसके बाद आता है मरीच चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण जो होता है इसे हम अब हम मिक्स कर रहे हैं। और लास्ट में आता है सौंठ चूर्ण। अब हमने सब चूर्ण इसमें डाल दिए हैं तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे तो ये रसाला अच्छे से तैयार है, पर शक्कर अच्छे से घुलने के लिए और इसे क्रीमी टेक्सचर आने के लिए हम इसे ब्लेंडर से मिक्स करेंगे। ब्लेंडर से अच्छे से हमें मिक्स करना है तो इसे एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और शक्कर भी घुल जाएगी। तो ये रसाला बन गई है। अब इसके औषधीय गुण क्या है वो हम जान लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये रसाला स्वाद में मधुर यानी मीठी है
थोड़ी सी खट्टी और उसी के साथ ये थोड़ी तीखी भी लगती है। ये रसाला का वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथकार निघंटु रत्नाकर में आया है और ग्रंथकार इसके गुणों के बारे में कहते हैं कि ये वात और पित्त कम करने वाली होती है, शरीर में बल उत्पन्न करने वाली होती है और शुक्र धातु भी बढ़ाती है। उसी के साथ ये शरीर का वर्ण भी निखारती है और ये शरीर में थोड़ा कफ भी बढ़ाने वाली होती है। तो इसका ग्रहण, इसका सेवन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, जिन्हें कफ के व्याधि है, कफ की बीमारियां हैं, उन्होंने इसे कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो आप भी ये रसाला बना के देखिए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स मुझे लिखकर बता दीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें। धन्यवाद।